नमस्कार। संस्कार धानी से शुरू हुए चर्चा चौकसी के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच की एक एक कदम बढ़ते हुए हम विचार मंच में आज फिर आपके सामने हैं। लगातार शहर विकास की बातें हो रही हैं। शहर के जिम्मेदार नागरिक आके अपनी संकल्पना, अपनी योजना, यदि जिम्मेदारी मिलती है तो आगे क्या करेंगे, वो सब इस मंच से साझा करके जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में ऐसी ही एक विचारवान, जिनका कर्म ही उनका भाग्य है, लगातार सक्रिय हैं, चाहे वो पार्षद रहे हों, उसके बाद चाहे विधायक रहे हों, तो अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से बाहर भी जहां अवसर मिलता है तो आम जन के लिए खड़े होने वाले बहुत ही विनम्र विधायक, जिनका नाम विनय है, विनयशीलता उनके अंदर है, जो आम जनमानस में परिलक्षित होती है, उनके व्यवहार से लोगों को जानते हैं। आज हमारे मंच पर वो हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस के विधायक विनय सक्चानी, आपका मंच पर बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले यह मंच ये जानना चाहता है कि शहर विकास को लेकर, जबलपुर के लेके आप पिछले अनेक वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, कितना हमारा शहर किस गति से आगे बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ना चाहिए, आपके मन में क्या संकल्पना है, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप एक विजन जबलपुर को लेकर चलते हैं तो क्या जबलपुर के डेवलपमेंट का विजन होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है किसी शहर का विकास जो है उस शहर की आबोहवा से, उस शहर की सड़कों से, उस शहर का शिक्षा से, उस शहर के जो खेलने के कूदने के जो उसको अवसर हैं या अच्छे स्टेडियम्स हैं, और इसके साथ साथ उस शहर में जल व्यवस्था कैसी है, जलमल निकासी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ पे जल भराव तो नहीं होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, जो मैंने पहले कहा, उस शहर के उद्यान कैसे हैं, उस शहर में आवागमन के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, उस शहर में जबलपुर शहर से बाहर जाने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, आप चाहे हवाई यात्रा कर रहे हो, चाहे ट्रेन्स की बात करें या बसेस की बात करें, रोड्स की, वो कैसी है? तो ऐसे जाके जब इन सब योजनाओं में और इन सब जगह पे अच्छा काम होता है, वो शहर डेवलप शहर कहला सकता है और उसको हम कह सकते हैं शहर खूबसूरत है। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, जो शहर के जो लोगों का एक दूसरे से सामंजस्य कैसा है, वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या हैं, वहाँ की खेलकूद की गतिविधियाँ क्या हैं, उस मामले में मैं कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक गतिविधियों के मामले में जबलपुर शहर शुरू से धनाढ्य रहा है। यहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े कवि हुए, बड़ी बड़ी शख्सियत हुई, बड़े बड़े अहमियत जिनकी देश में और विदेशों में थी, ऐसे नामचीन चेहरे जबलपुर शहर में हुए हैं, और इसलिए जबलपुर शहर का नाम संस्कारधानी, हिंदुस्तान में राजधानी बहुत हो सकती है, राजधानी है भी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर संस्कारधानी कोई है तो जबलपुर शहर ही है। और इसके लिए जबलपुर शहर के नागरिकों का, यहाँ के जो चाहे पत्रकारिता हो, जो यहाँ के पढ़ा लिखा वर्ग है, जो यहाँ का कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ये लोग सब लगातार एक दूसरे को सहयोग करते रहे। लेकिन जबलपुर शहर में जो पिछड़ेपन का दंश है, वो हमेशा से ये माना जाता रहा कि जिस ढंग से भोपाल डेवलप हुआ, जिस ढंग से रायपुर, जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था तो जिस ढंग से रायपुर डेवलप हो गया राजधानी बनने के बाद, लेकिन जबलपुर शहर को छला गया। जबलपुर शहर में देखा जाए तो विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, हाई कोर्ट जबलपुर में है, जबलपुर शहर में ऑर्डिनेंस के इतने बड़े बड़े कारखाने हैं जो हिंदुस्तान में अपनी एक अलग अहमियत रखते हैं, लेकिन जबलपुर शहर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को धीरे धीरे बंद किया गया, धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसके चलते जबलपुर शहर में जो एक कहना चाहिए जो विकास की एक अवधारणा थी उसमें ब्रेक लग गया। जबलपुर शहर में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री के चलते जबलपुर शहर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई। एक ये था कि यहाँ ऑर्डिनेंस का एक बड़ा केंद्र है तो यहाँ पे उसके आसपास बहुत सारी गतिविधियाँ होने से वहाँ की सूचनाएं बाहर जाएंगी, और एक जो एरिया हमारा ऑर्डिनेंस तरफ का है वहाँ का तो डेवलपमेंट ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ की जो सीमाएँ हैं वो बहुत फैली हुई हैं, डुमना एयरपोर्ट तक फैली, खमरिया में फैली, तो उधर पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, ना कोई डेवलपमेंट हो पाया, ना कोई नई कॉलोनियाँ हम लोग बसा पाते हैं, ये पूरा डुमना का हाल है। मेरा ये मानना है कि कोई भी शहर, जैसे मैंने अपने लिए, मैं अपने दृष्टि से देखूं जो मैंने खुद किया, मैं शुरुआत में छात्र राजनीति में रहा हूं, आपने देखा होगा कॉलेजों के समय भी मैंने हर संघर्ष किया, पार्षद के रूप में भी एक लंबा कार्यकाल रहा है,
अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहा हूँ, पूरे शहर में जो समस्याएं आई उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जब मैं पार्षद था तो मेरा वार्ड जौनपुर शहर के सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा विकसित वार्डों में रहा। जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना तो जौनपुर शहर की बहुत सारी जो समस्याएं थी, जो बहुत सारी गड़बड़ियां नगड़े में होती, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी शहर का जो डेवलपमेंट है उसकी योजना बनाने वाले, उसको नियोजित करने वाले लोग कैसे हैं। जौनपुर शहर का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे अनियोजित विकास हुआ है। सीवरेज लाइन खोद दी जाती है लेकिन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आज तक नहीं लगे, प्लांट की छोड़िए उसके भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ, पूरा शहर खोद दिया गया। 10 साल तक शहर खुदा रहा, लोगों के हाथ पांव टूटे, जिनको दमा बीमारी और अस्थमा की बीमारियां नहीं थी वो बीमारी से ग्रस्त हो गए, टीबी जैसी बीमारियां हो गई और जिनके हाथ पांव टूटे कई मौतें हो गई। लेकिन जबलपुर शहर को सीवरेज की आज तक प्रोजेक्ट पूरा होके नहीं मिला। इसका मतलब है कि जबलपुर शहर के जो जिम्मेदार लोग थे, अभी मैंने देखा कि एक बड़ा जबलपुर शहर में पोस्टर लगे, बैनर लगे कि जबलपुर गोदिया पाइप जो हमारी रेल लाइन है वो पूरी हो गई, उसके लिए बधाई। अगर 15-20 साल में कोई योजना पूरी होती है, 15-20 साल में किसी योजना को पूरा किया जाता तो उसमें श्रेय लेने की बनती कहाँ है। ठीक है, बताइए। अब मैं नितिन गडकरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, मैं उनकी उस बात को सकारात्मक सहयोग देता हूँ जिसमें उन्होंने एक बिल्डिंग के उद्घाटन में भाषण में अपने ही अधिकारियों को कटाक्ष किया, उनको व्यंग किया कि हमारे ये अधिकारी रिटायर हो गए लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, दूसरे अधिकारी रिटायर हो गए जो आज इस कार्यक्रम में है तो बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। तो मेरा मानना है कि कोई 5 साल की योजना अगर 20 साल में पूरी होती है तो इसमें फिर श्रेय लेने जैसी कोई बात नहीं बचती। और जबलपुर शहर में जो श्रेय की राजनीति, उसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। मैं अपने ही विधानसभा की बात करूँ तो हनुमान ताल का 7 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया था, उसके टेंडर फ्लोड होना शुरू हो गए थे। निवाड़गंज की मंडी जो बरसों से छोटे बचपन से हम लोग सब्जी लेने जाते थे उसकी हालात आज भी वैसे, उसके लिए 80 करोड़ की योजना बना के उसका प्रथम चरण का 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किया मंत्री जी ने, आदरणीय जयवर्धन सिंह ने, उसकी 3 करोड़ की राशि भी आवंटित हो गई, टेंडर भी इनिशियल जो प्रारंभिक है वो हो गया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर वो निवाड़गंज मंडी आज भी सरकार पूरा करे तो फुहारे की जो ट्रैफिक की समस्या, यातायात की समस्या है और जो दुकानें आज सक्रिय और छोटी हैं वो पूरी की पूरा इतना बड़ा मार्केट आएगा कि सबका सब व्यापार वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके जो वर्तमान पुराना बाजार है इसको पूरा नया बदलाव में हम कर सकते हैं, सड़कें भी नई चौड़ी दे सकते हैं। एक और जबलपुर शहर में बड़ा केंद्र कृषि उपज मंडी, जी कहने को तो कृषि उपज मंडी जनता के भले के लिए, ग्रामीण लोगों के भले के, किसानों के भले लिए, लेकिन कृषि उपज मंडी लूट का अड्डा बना दिया गया। जबलपुर नगर निगम के हालात आप देखें, टैक्स लिया जा रहा है, रोज कहा जा रहा है कि कुर्की कर रहे हैं, बहुत सख्ती हो रही है वसूली में। तो सख्ती वसूली में करना आवश्यक है या उस टैक्स से लोगों का विकास का काम करना भी जरूरी। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार कहती है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे पास विकास के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, मैं पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा, और एक तरफ 1,000 करोड़ का हर महीने लोन ले रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी और बाकी अधिकारी कहते हैं हमको पैसे नहीं मिल रहा, हम विकास कैसे करें। तो ये जो बहुत गंभीर बातें हैं, ये बातों को मैं मानता हूं कि आपके इस माध्यम से, आपके इस मंच से जी ये पूरे मध्य प्रदेश में बात पहुंचनी चाहिए। और वो जो जन नेता है जो कहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील नेता हैं, जबलपुर का आप कोरोना की बीमारी कहीं देख लीजिए, कोरोना की बीमारी में चिराइयों में मुफ्त इलाज हुआ, जिस मुद्दे को मैंने लगातार उठाया। अभी परसों जब प्रभारी मंत्री की बैठक थी तब मैंने कहा कि एक तरफ इंदौर में देवास में फ्री इलाज हो रहा है, लेकिन जबलपुर शहर का दुर्भाग्य है जो जबलपुर शहर मध्य प्रदेश के बाहर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश का ये पाकिस्तान है जबलपुर शहर की आप हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार कर रहे हैं। जबलपुर शहर में तो जो प्रारंभिक, जब आप कोरोना पे उस दिन चर्चा हुई प्रभारी मंत्री से, मैंने कहा कोरोना का जो प्राथमिक चरण है वो है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के बगैर आप किसी व्यक्ति का कितना संक्रमण है पता ही नहीं कर सकते, और वही सीटी स्कैन 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो वहीं पे डॉक्टर्स ने दावा किया नहीं सर हमारे लिए रियायत दर पे कर रहे। प्रभारी मंत्री ने पूछा कि क्यों इनका निशुल्क क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने कहा नहीं सर हम रियायत पे करा रहे। तो रियायत कितनी हो रही, तो बोले साहब 48 रुपए ले रहे। तो अजय विश्नोई जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये कोई रियायत हुई। मैं मानता हूं जबलपुर शहर के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो पार्टी की बातों से, हितों से उठ के
और जनता के जो प्री निर्णय होते हैं, जनता के हित के निर्णय होते हैं, उसमें समर्थन करें। तो मैं अजय विष्णु जी को आपके इस मंच के वास्ते धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार कई ऐसे मुद्दों पे आम रूप से, खुले रूप से भी मदद करते हैं, क्योंकि वो जनता का जुड़ा मुद्दा। जबलपुर शहर जिस दिन इंदौर के जैसे सभी जन नेता जो विभिन्न पार्टियों के जाति दल धर्म और उसको अगर ऊपर उठ के जबलपुर शहर के हित में, जिस तरह से कल मैं एक धरने पे पहुंचा, जबलपुर शहर में ऐसा धरना बहुत दिनों बाद मैंने देखने मिला, जहां मध्यम वर्ग की परिवार से महिलाएं बच्चे बुजुर्ग पढ़ा लिखा वर्ग सड़क पे बैठा था कुर्सी रख के। ये जबलपुर शहर में एक नई क्रांति दिख रही मुझे, क्योंकि मध्यम वर्ग वो परिवार है, मेरा मानना है, जो मेरी सोच है राजनीतिक या सामाजिक सोच है, जो मध्यम वर्ग का परिवार है सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जबलपुर शहर में तो कोई भी बड़ा आदमी है ही नहीं, जो बहुत भी जबलपुर शहर के बड़े आदमी कहलाते हैं वो भी टाटा अंबानी की टक्कर में कहीं नहीं। अभी अभी जो अच्छी बात है, लेकिन हम अभी ये जान जाते हैं, मतलब प्रारंभिक में, कि पिछले 20-25 सालों से जो तीखी नजर है आपकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी जो है, तो हमारा शहर कहाँ है, कहाँ होना चाहिए? जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश के हर तरह से, जबलपुर को मध्य प्रदेश के बाकी सब शहरों से 50 गुना आगे होना था। नागपुर से लगा हुआ शहर है, ठीक है, इंदौर जो है वो बॉम्बे से लगा हुआ है, तो इंदौर विकसित हो गया, ठीक है, एक उसी का तो मिनी बॉम्बे तो नागपुर कहलाता है। और जबलपुर शहर का इतिहास जो है और जबलपुर शहर की जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज है, या जबलपुर शहर उन शहरों में जाना जाता था जो राजनीतिक चेतना का केंद्र है। जब यहाँ से क्रांति हुई है तो हिंदुस्तान में सरकारें बदल गई, शरद यादव जी उसके उदाहरण है। तो मेरा ये मानना है कि जबलपुर शहर को यहाँ के जो नेता है, जबलपुर शहर में एक दूसरे की जो टांग खिंचुअल है, और जबलपुर शहर में जो जन नेताओं के खास तौर से व्यापार जुड़े हुए हैं, उसके चलते वो पूरे अपने व्यापार पे ध्यान देते हैं, जबलपुर शहर के हितों में, जबलपुर शहर की जनता के हितों में काम नहीं करते। उनका मुख्य जो ध्यान है, उनका जो पेशा है, वो राजनीति और समाज सेवा के अलावा अन्य तरफ रहता है। मैं किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक जनता के लिए पूरे शहर के नेता, विभिन्न पार्टियों के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के शहर विकास के लिए बात नहीं करेंगे, तो जबलपुर शहर को जो 25 साल पिछड़ा है, ये अगले भी कई सालों में ठीक नहीं होगा। जबलपुर शहर को फ्लाईओवर बन जाने थे, शास्त्री ब्रिज कब से वर्षों से देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं जी। अब एक नया फ्लाईओवर चालू हुआ है, दुर्भाग्य देखिए उसका, शुरू में जब गडकरी जी ने घोषणा की राकेश सिंह जी के मकान में, बंगले पे सिविल लाइन में, तो ये कह दिया एक साल के अंदर शुरू हो जाएगा। एक साल बाद पता चला कि गलती हो गई, मतलब इतनी बड़ी गलतियां किसी से कमी होती है। बोले साहब ये तो नेशनल हाईवे शहर के अंदर से निकलती नहीं, तो ये तो गलत घोषणा हो गई। आप देखिए अखबारों ने छापा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे, मैं समझता हूँ इसको कि जो टेक्निकल बात है वो समझता हूँ, तब कि NHAI तो सर बना ही नहीं सकती, NHAI से घोषणा हो गई। एक साल बाद उसको फिर सेंट्रल रिजर्व फंड में डाला गया, मतलब इतनी टेक्निकल गलती होती जिसमें एक एक साल निकल जाते हैं। अभी भी वो जिस योजना को जिस ढंग से वो कार्य रूप दे रहे हैं, जबलपुर शहर के पेड़ पहले काटे जा रहे हैं, मुआवजा अभी दिया नहीं, बिल्डिंगें अभी ली नहीं, और आज भी जबलपुर नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार का पैसा नहीं मुआवजा देने के लिए, आप सब जगह तोड़ने की बात कर रहे हो। तो मेरा कहना, सबसे पहले तो आपको मुआवजा देके सड़कें चौड़ी कितनी करना ये तय करना चाहिए, पेड़ काटने के पहले नए पेड़ लगा देने चाहिए, ठीक है। तो अनियोजित ढंग से जो एक प्रयास जबलपुर शहर में हुआ है, चाहे वो जलमल निकासी की योजना हो, 10-15 साल हो गए, जबलपुर शहर का एक और दुर्भाग्य LNT का नाला, आपको याद हो नेता प्रतिपक्ष के समय मैंने उस पर बोला था कि भारी भ्रष्टाचार के चलते एक योजना का नाम बदल के गलत ढंग से इस योजना को प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे राशि ले सके जबलपुर शहर के अधिकारी, उस पर डाका डाल सके। और आज वो LNT नाला जो मैंने उस समय कहा था कि अगर ये बंद नाला हो गया तो जिंदगी भर ये हमारे लिए, जबलपुर शहर के लिए सफेद हाथी साबित होगा, और आज वो देखिए वही साबित हुआ है। उसको हम नालियों से जोड़ नहीं पाए, आज भी आधा अधूरा पड़ा है और कचरे का अड्डा बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जबलपुर शहर में, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का पैसा आया, इसके बाद अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा देने की बात करी। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ, 3800 करोड़ की घोषणा हुई थी जबलपुर शहर, माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी ने कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री के 4000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो उस समय मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूछा था कि वर्तमान सरकार क्या दे रही, तो उन्होंने कहा वो तो 100 करोड़ रुपये साल का देगी, तो 100 करोड़ का साल का देगी तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर 100 करोड़ मिलाएगी, तो 200 करोड़ हुआ। आप याद करिए कि पिछले 5 साल में कितनी राशि निवेश को किया है। अगर झूठी योजनाओं के आधार पर नेता भी झूठ बोलेंगे, झूठी घोषणाओं के आधार और प्रचार प्रसार के बाद हमारे नेता उस पर
अपनी ताकत का एहसास दिल्ली को नहीं कराएंगे, भोपाल को नहीं कराएंगे, तो हम लोग का जबलपुर शहर पिछड़ा होगा। मैं मानता हूं जबलपुर शहर का जो एयरपोर्ट है, जिस समय मैं फ्लाइट से उतरूं, जब तक आप आसमान में रहते तो आपको लगता है कि जबलपुर शहर का एक भाव बड़े शहर में उतर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप फ्लाइट से उतर के अपनी बस से जो आपको वहां से लेके बिल्डिंग तक लाती है, तो वो पूरा जबलपुर का प्रदेश बदल चुका है। जो जबलपुर के सपने देख के व्यक्ति उतरता है कि यहाँ इन्वेस्ट करूंगा और यहाँ पे बहुत कुछ व्यवस्थाएं करूंगा, आप देखना कि जैसे ही वो फ्लाइट से बाहर आता है एयरक्राफ्ट से और वहां से जो बस से टर्मिनल बिल्डिंग तक आता है, तो आसपास की जो सकरी सड़क है, उखड़ी हुई सड़क है, उखड़े हुए घास है और बड़ी बड़ी घास है, तो वो क्या समझ जाता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पिछड़े शहर में आ गए। तो मेरा मानना है कि इन सब के मामले में जबलपुर शहर के जो राजनीतिक लोग हैं, हम लोग की जो बैठकें होती जिला योजना की दिशा की, वो भी राजनीति का शिकार हो जाती है, जबकि हम लोग सहयोग करते हैं हमेशा। मेरा मानना है जब तक जबलपुर शहर के सभी नेता राजनीतिक विचारधाराओं के अलावा जबलपुर शहर से प्यार नहीं करेंगे, जबलपुर शहर को अपना घर परिवार नहीं मान के काम करेंगे, जब तक जबलपुर शहर पिछड़ा रहेगा और ये दंश हम लोग भुगतते रहेंगे। ये सिर्फ आपके दल की बात कर रहे हैं कि दूसरे दल की बात? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नेताओं का मतलब ही होता है, नेता किसी दल का नहीं होता। चुनाव 5 साल में एक बार होता है, 5 साल के बाद अगले 5 साल। आपने देखा मैं राजनीति कर रहा पिछले कई सालों से, आपने कभी देखा कि मैं दूसरे दल के नेताओं कभी आलोचना करता हूँ? नहीं करता। नगड़े में भी आपने देखा सकारात्मक पक्ष रखा और जब वो नहीं मानेगा तो धरना में बैठा, चाहे वह 10 दिन बाद 15 दिन बाद धरने पे उठना पड़ा, लेकिन मांगे मनवाई के उठाऊ। तो मेरा मानना है सभी राजनीतिक दलों के लिए बोल रहा हूँ, ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ जो अन्य दल के लोग भी शहर में है, जबलपुर के जो सामाजिक संगठन है, और जबलपुर शहर का जो एक अभिजात वर्ग है और एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो जबलपुर शहर का विकास चाहता है, ऐसे लोगों के साथ आप बताइए पिछले कितने सालों से बैठक हुई कोई? आप बताइए जबलपुर शहर किस नेता ने आपके साथ बुला के बोला कि सब हम जबलपुर शहर के विकास में आपसे बात करना चाहते? मैं नेता प्रवक्ता था तो नगर निगम के अंदर मैंने जबलपुर शहर के प्रबुद्ध वर्ग की एक बैठक बुलाई थी, अगर आपको याद हो। और कहाँ बैठे थे हम लोग? नेता जी कमरे के बाहर ग्राउंड में बैठे थे। एडवोकेट राजन तिवारी जी से लेके जबलपुर शहर के सब गणमान्य नागरिकों को मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह करके बुलाया था। तो जब तक आप चर्चा नहीं करोगे तो आप अपनी बुद्धि से काम करोगे। अगर हम परेशान हैं तो हमारी समस्या भी जनता के बीच में होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे या हम कहाँ उलझ रहे हैं, और अगर हम उलझ रहे हैं तो हम सुलझाने के लिए हम क्या और आपसे सहयोग या आपके बुद्धि दिमाग का कहाँ उपयोग कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ लालू यादव जी का। लालू यादव जी जब मंत्री बने तो लोग कहते हैं लालू यादव जी तो रेल मंत्रालय ठीक नहीं कर पाएंगे। लालू यादव जी ने रेल मंत्रालय को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जो सरकार कहती थी रेल मंत्रालय घाटे में, लेकिन मेरा मानना उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, बहुत सारे लोग जो लूप लाइन में अधिकारी पड़े होंगे, जिनको लोग मेन जगहों पर नहीं लाते, उनका बुद्धि विवेक का उपयोग किया होगा और वो रेल मंत्रालय उनके समय में प्रॉफिट पे आ गया था। तो ऐसे ही जबलपुर शहर की जो गाड़ी है वो पटरी पे लाई जा सकती है। जैसे एक बहुत बड़ा विषय है विकास का, जो आज से मैंने 6-7 साल पहले नगर निगम में रखा था, आपको लोगों को याद होगा कि जो गोंदिया रेल लाइन है ये जब पटरी हट जाएगी तो ग्वारीघाट का वन वे किया जाएगा और दूसरी उस जमीन को हम लोग अधिग्रहण कर लेंगे नगर निगम से। ये मुद्दा सबसे पहले मेरा उठाया हुआ है, ठीक है। आज तक उस मुद्दे पे हमारे जबलपुर शहर के राजनीतिक दल एक नहीं हो पाए। आदरणीय सत्यमित्रानंद जी आए हुए थे, आपको याद होगा चौराहे पे उनका भूमि पूजन हुआ था, वहां पे मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप तो अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी आपकी बात नहीं काट सकते, याद होगा मैंने उनके सामने बात रखी। तो मैंने तो उस प्रधानमंत्री से मांग रखी ना, जो देश का प्रधानमंत्री, तब मैंने ये नहीं सोचा कि वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, लेकिन मैंने एक प्रॉपर चैनल ढूंढा, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता मान लीजिए वो काम नहीं कर पा रहे अपने, कोई भी माध्यम तो कोई ना कोई माध्यम बने। तो मेरा ये मानना है कि माध्यम कोई भी हो सकता है और माध्यम का हम लोग उपयोग कितना कर पाए, ये बात और है कि वो बात हवा बात का अधिग्रहण नहीं कर पाए। ये योजनाएं जबलपुर शहर को बदल सकती। एक और मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ, जबलपुर शहर के नागरिक भी इस मुद्दे को ध्यान से सुने। जबलपुर शहर में टेलीग्राफ फैक्ट्री है 4 नंबर गेट, वो फैक्ट्री जो है खत्म हो चुकी, ठीक है। उस फैक्ट्री का अधिग्रहण अगर हमारे सांसद जी करा दें, और सांसद जी के साथ हम सब मिलकर कराने तैयार है, आपके साथ लड़ने तैयार है, जबलपुर शहर को 74 एकड़ जमीन मिलेगी नहीं, निश्चित तौर। जबलपुर शहर का विकास कहां से कहां पहुंचेगा आप सोचिए, पूरा का पूरा फुहारा निवाड़गंज जो है एक नया डेवलप हो जाएगा, आप बताइए। 74 एकड़ भूमि जबलपुर शहर के अंदर कहीं है, जबलपुर बदलेगा कैसे?
जब तक हमारे नेता हम सबके साथ मिलकर कोई ऐसा ज्वलंत कोई उदाहरण पेश नहीं करेंगे। आज वो टेलीग्राफ फैक्ट्री में जो योजनाएं बन रही हैं वो क्या बन रही है, बिल्डर्स को बेचने की बन रही है, केंद्र सरकार उसको बेचने की बात कर रही है, नगर निगम जहां गौशाला की जमीनें हैं वो गौशाला की जमीन में बिल्डर कब्जा कर रहे हैं, राई दाल को खाली किसने कराया, राई दाल को खाली किसने कराया आप बताइए, नगर निगम में ना बिल्कुल। और वो गौशाला की भूमि मैंने पिछले बैठक में अभी उस दिन भी उठाया, मंत्री जी ने कहा वहां पे कुछ नहीं बनने दूंगा, मैंने कहा मंत्री जी आप में इतनी हिम्मत है, बोले नहीं नहीं मैं तो जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैंने उन पे चार मुद्दों पे बात करी थी, एक तो मैंने कहा रायताल की जो भूमि खाली हुई उसका अधिग्रहण नगर निगम करे या सरकार करे। अब आपको मैं उसका दूसरा फायदा बताता हूँ, आज जबलपुर नगर निगम के पास नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा नहीं है मुआवजा देने के लिए, ये फ्लाईओवर जब भी बनेगा जब मुआवजा दे सके, अगर उस भूमि पे एक नया कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, जितनी दुकानें बिकेंगी उससे पैसा आएगा, और जो मुआवजा जिनको दिया जाना उनको वहां पे आधी कीमत पे रियायत दर पे हम दुकानें दे देंगे, तो वो व्यापारी भी इसलिए अपनी दुकान खाली करेंगे उनको रानीताल के रानीताल में ही दुकानें मिल जाएंगी। अब बताइए सुझाव ठीक है कि गड़बड़? तो मैंने ये बात जब की तो प्रभारी मंत्री ने कहा इस पे FIR करो, किसने किया, कौन अधिकारी SDM है जिसने उसको गौशाला के बदले, अब आपने इस गौशाला के बदले गांव में गौशाला खोल ली और ये भूमि आपने बिल्डर को बेच दी, ये नहीं होना चाहिए। जबलपुर शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे नेता डरते एक दूसरे से। कृषि उपज मंडी दलालों का अड्डा बना है, आपका जो जबलपुर में जो हमारे जो मिलर्स को चावल दिया जाता है, जो गरीबों का चावल है प्रधानमंत्री का, वो चावल मिलर्स के पास जाते ही नहीं, आरओ बिक जाते हैं। यहाँ पे जो मारपेट में हमारे जो MR4 पे ऑफिस है वहां पे बघेल साहब हैं इसके जिम्मेदार अधिकारी, DMO कहलाते हैं, उनके ऊपर खुद फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी FDR के आधार पे किसी चावल राइस मिल के मालिक को चावल देने का आरोप है, और इतनी बड़ी जांच चलने के बावजूद वो यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत से नेताओं के कठपुतली हैं वो। तो जो आरओ जाता है, आरओ इश्यू होता है, उसी आरओ पे वेयर हाउस से भी चावल उठता है एक ट्रक नंबर से, और वही ट्रक नंबर जो हैदराबाद का होता है शाम को 8 बजे कृषि उपज मंडी से उसकी स्लिप कटती। ये जो मुद्दे हैं, जिस सारी चीजें आप बता रहे हैं इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपने बोली कि हमारे नेताओं को अपने शहर से प्रेम करना पड़ेगा, ये कौन सिखाएगा? देखिए प्रेम तो जनता ही सिखाएगी, जैसे कल मध्यम वर्ग का व्यक्ति सड़कों पे आया, सड़कों पे आता है ना, मैं इसको किसी पार्टी उससे ऊपर उठ के बोलता हूँ, दिल्ली में सरकार बदली, मध्यम वर्ग के लोग सामने आए, सरकारें बदल गई, उन्होंने एक ऐसा सीख दे दी कि हम आपको भी वोट नहीं देंगे, आपको भी नहीं देंगे, हम नए आदमी को दे देंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है जो हमारे कमला बाई को भी वोट मिला था, भाई हमने नोटा को नहीं किया, हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को दे दिया, थर्ड उसको दे दिया। ठीक है, ये बदलाव का ही तो एक दिशा है। हमारे जबलपुर शहर में हीरा बाई को भी लोगों ने पार्षद बनाया। मेरा ये कहना है जो नेता आपको ये लगता है कि जनता के हित में खड़े होकर काम करेगा ईमानदारी से, और जाति धर्म से उठ के अगर जनता वोट देने लगेगी, और जाति धर्म और राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के जब विकास के मुद्दों पे वोट देना जनता ले लेगी, और यह आक्रामक हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी जनता, जैसे कल हुआ, मैंने कल उनको धन्यवाद दिया, उनके जज्बे को सलाम किया कि अगर ऐसे ही नागरिक जबलपुर शहर के हो जाए, महीने में आधे घंटा समय दे दे, जैसे आप लोग चाय पे बैठे हुए हम लोग जबलपुर के विकास पे चर्चा करने लगे, और सभी राजनीतिक दल खुल के बात करें, कोई देश भावना नहीं है, ये सुपर मार्केट ही वो अड्डा था जहाँ पे शरद यादव जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठ के शहर के छात्र राजनीति की योजनाएं बनाते। ठीक है, ये कल्चर जबलपुर शहर से खत्म हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से एक बैठक ऐसी बुलाई जाए जिसमें शहर के सांसद हो, शहर के सब विधायक हो, और हिम्मत के साथ अपन जुट के साथ ये बोले कि साहब हम जबलपुर शहर के विकास पे साथ। फिर उसी बात पर आ रहे प्रेम का, अब किसी भी इलेक्शन में दो लोग लड़ते हैं तो जो हार जाता है, जिसको 50% वोट मिलता है, मतलब ये हार करता है, वो पूरे 5 साल दूर रहता है जनता से, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि जीतने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि जीत गया तो प्रेम रहेगा, हार गया तो नहीं रहेगा? देखिए एक बात, देखिए मैं 82 से राजनीति में, 5 इलेक्शन कॉलेज के, 5 इलेक्शन नगर निगम के, और 11वां इलेक्शन विधायक का। ठीक है, हार और जीत अपनी हो सकती है, ईश्वर की कृपा से जीतता भी रहा हूं, लेकिन इतने सालों में आपने कभी नहीं देखा हो कि मैं घर पे बैठा। भाई मैं विधायक की टिकट तो अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही मिल सकती थी, लेकिन विधायक की टिकट मुझे बहुत बाद में मिली। लेकिन मैं ये सोच के, जैसे कई पार्षदों का, मैं आप याद करें नगर निगम के रिकॉर्ड उठाएं, मैं जब विधायक बन के सम्मान कार्यक्रम हुआ तो मैं नगर निगम का मैंने एक लाइन बोली विधायक पार्षदों से,
कभी यह सोच के काम मत छोड़ो कि अगले बार आरक्षण हो जाएगा तो हम वार्ड में काम क्यों करें। मैं उदाहरण हूं कि मैं लगातार लोगों के बीच काम करता रहा, जाति धर्म मोहल्ला वार्ड दली, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ग्वारीघाट का आदमी मेरे पास क्यों काम कराने आ रहा, रांची का आदमी क्यों कराने आ रहा, आधारताल का क्यों कराने आ रहा। जैसे नेता करते साहब मेरी विधानसभा के नहीं तो मैं काम क्यों करूं। ये जबलपुर शहर में आप सुनना, इस जज्बे को बदलना पड़ेगा तभी डेवलपमेंट की राह पे। ये जज्बे को आप लोग बदल सकते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसी की। मैं भी आपके साथ हूँ, आप सबका ये प्रयास ईश्वर करे जबलपुर शहर के हित में, जबलपुर शहर के भले के लिए, जबलपुर शहर के विकास की दिशा में, और जबलपुर शहर का जो हमारा नव युवक है जी जी, जो हमारा युवा पीढ़ी है वो जबलपुर शहर छोड़ के अन्य शहर में नहीं जाए, उसके हित में अगर हम सब एक हो जाते हैं तो मुझे लगता आने वाले समय में जो कमियां रही हैं, जो योजनाएं बहुत देर से खत्म हो रही हैं, कुछ योजनाओं को में पैसा नहीं आने के कारण अधूरी पड़ी हैं, जबलपुर शहर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जबलपुर शहर में पानी की टंकियां बन गई, पाइपलाइन नहीं डली जी जी जी। जहां पाइपलाइन डल गई वो पानी की टंकी बन गई, वहां पे मिलान नहीं हुआ, और जहां मिलान हो गया तो बोले साहब अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। इस तरह की जो विकास की जो रास्ते रुकते हैं, एक छोटा उदाहरण और देता हूं, जबलपुर शहर में शौचालय बने, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करें, एक भी शौचालय आप बता दो जिस पे आप खड़े होके, ठीक है, मेरे विधानसभा में जो कहा वो आपको याद दिलाता हूं। इसी विजन की तो बात कर रहे हैं अब आपको, मैं देखता हूँ ये विजन भी नहीं सकते ना क्या, सबको दिखता आंखों से, ठीक है, और इस पर चर्चा हम सब मिलकर कर सकते हैं। जो जिला योजना की बैठक होती, जो दिशा की बैठक होती है, उस पर क्या होता बताइए, एजेंडा पहले से तय होकर आता है, चाहे प्रभारी मंत्री जी का हो, चाहे हमारे सांसद जी का हो, और बहुत जल्दी जल्दी की आज इस विषय पे हम चर्चा नहीं कर सकते, अपन इसको अगले बार देखेंगे। आप बताइए कमल पटेल साहब को प्रभारी मंत्री कितने दिन हो गए, सरकार तो 20 मार्च को बन गई थी ना, बैठक कब हो रही, और क्या आधे घंटे की बैठक में जबलपुर शहर का विकास नहीं, आप चिन्ह दे रहे हैं। ये सब बैठक की औपचारिकता होती, इनके मिनट्स हमको निकालना चाहिए, खासतौर से हम आप दोनों को, क्योंकि मीडिया और विधायिका ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अगर ये दोनों एक्टिव हो जाए, ठीक है, मिनट्स को आप देखिए मेरे। राकेश मिश्रा है डिजिटल इंडिया से, वो सवाल करेंगे आपसे। आपने बोला धर्म राजनीति दलगत राजनीति से उठकर समन्वय बनाकर शहर का विकास हो सकता है, दोनों सभी दलों के नेता, नगर निगम ने एक लंबा सफर तय किया है राजनीति का, किसी भी शहर के विकास में नगर निगम का महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसे में एक बात निकल कर आई सामने कि ड्राइंग डिज़ाइन सही नहीं होती, अनियोजित तरीके से विकास होता है, एक तरीके से मूर्ख बनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है जनता को, ये कहने में गुरुज नहीं। महिला मार्केट बना, एक ताज़ा उदाहरण है, मल्टी लेवल पार्किंग बनी, एक प्रस्ताव फिर आया आपके अनुभव के आधार पर, 74 एकड़ जमीन यदि बनती है तो शहर का नया स्वरूप उठता है, ये आपका अच्छा विजन है, लेकिन जब तक समन्वय नहीं होगा नेताओं में, कई नेता आए, कई शख्सियत आई इस मंच पर, उन्होंने भी यही बात बोली कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है, समन्वय स्थापित होना चाहिए, कौन आगे बढ़ेगा। राकेश जी ने कहा कि जनता पर भार डाल दिया जाता है जीत के आने के बाद, कैसे इसे आगे लाएंगे और शहर का डेवलपमेंट क्या नजर वन लाइन है। देखिए मैं आपके माध्यम से जबलपुर शहर के खास तौर से सांसद महोदय से आग्रह करता हूँ दो विषय पे, और ये मैं चाहता हूं कि उन तक ये बात पहुंचे, अगर उन्होंने जबलपुर गोंदिया का श्रेय लेने की बात करी है वो श्रेय ले लें, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आज वो जबलपुर शहर की ग्वारीघाट का अधिग्रहण करने का जो खाली भूमि हुई है, और हवाबाग की जो खाली भूमि, उसका श्रेय ले लें, हम लोग खुद माला पहनाने चलते जी जी। मैं आज आपके सामने दावे से कह रहा हूं मैं आप सबके साथ चलने तैयार, लेकिन वो भूमि जबलपुर शहर को विकास के लिए दिला तो दें। आज ग्वारीघाट में रोड पे कितना ट्रैफिक है, अगर एक तरफ से जाने का होगा और दूसरी तरफ से आने का होगा, और पर्यावरण के हिसाब से बढ़िया गार्डन और जंगल के साथ अगर एक नई सड़क बनेगी फोर लेन, तो जबलपुर शहर के नागरिक किसी बाहर के अपने जो हमारे रिश्तेदार उनको कह तो सकते हैं कि हमने नई रोड सड़क बना ली है। पर्यटन के नजरिए से भी बेहतर ग्वारीघाट में माँ नर्मदा का जो एक महत्व है, जो सब नेता जबलपुर शहर के बोलते कि सब मैं सबसे बड़ा नर्मदा भक्त हूँ, तो मुझे लगता है माँ नर्मदा के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी अगर ये सड़क हम और हवाबाग में एक नया डेवलपमेंट कर देते हैं, और सड़क चौड़ी हो जाती है, एक नई फोर लेन मिल जाती है, और शेल है ना सांसद जी, क्या दिक्कत है, सरकार उनकी है, दिल्ली में वो वहां पे बैठे हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व हम मानते हैं उनको। आप आवेदन लेके या बात करके कभी पहुंचे, मैं तो चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चले, जिससे ये रिकॉर्ड में रहे जी जी। कि ये मुद्दा हमने आपको श्रेय देने के लिए दिया है, मतलब कब कदम उठा रहे हैं, कल चलिए मैं आपके साथ तैयार, ठीक है। दूसरा, 74 एकड़ भूमि टेलीग्राफ की, जो जबलपुर शहर का
आने वाला भविष्य बदल सकती है युवाओं के लिए। आईटी पार्क आप बताइए कितने एकड़ बन रहा है? मात्र 54 एकड़ में। लेकिन जबलपुर शहर के अंदर 74 एकड़ भूमि खाली हो गई, और क्या हो रहा है उस भूमि का? वहीं से मदन महल की एक रेलवे ट्रैक जाता है मदन महल स्टेशन, वहां पे कब्जे हो रहे हैं। जबलपुर शहर के कई व्यापारियों ने खाली कब्जे कर लिए, आज उनकी जमीनों की जांच करवा दी जाए। तो जमीनें जो है वो रेलवे की है, टेलीग्राफ फैक्ट्री की है। मेरा कहना है रानीताल में जो भूमि खाली हुई उस भूमि पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स करके हमारा ये जिससे मुआवजे की जो राशि उससे बढ़ जाए और नई दुकानें व्यापारियों को मिल जाए, एक तो बड़ी बात होगी, व्यापारियों के साथ न्याय हो जाएगा। हम आपसे पैसा नहीं ले रहे ना पैसा दे रहे, लेकिन अगर आपकी 10x10 की दुकान थी और हमने 10x10 की दुकान रजिस्टर्ड आपको कर दी आधी कीमत पे, तो न्याय संगत होगा, एक भरोसा कायम होगा सरकार के प्रति, किसका? व्यापारियों का, कि अगर हमारी दुकान तोड़ी जाती तो ऐसा नहीं कि हमको उसके बदले में। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, घंटा घर के बाद डॉक्टर बटाले के पास की दुकानें टूटी जी। मैं खुद पहुंचा था वहां पे, आधार उसको गोहलपुर थाने के पास दुकानें देने का वादा हुआ, दुकानें खाली कर दी व्यापारियों, आज तक उनको दुकानें बना के नहीं दी गई। जब तक ये जो धोखा होता है व्यापारियों के साथ, जबलपुर शहर के नागरिकों के साथ कहना चाहिए इसको, तो कौन भरोसा करेगा सरकार पे कि आप हमको दुकान देंगे या मुआवजे। आपको याद है 2.5 करोड़ रुपए की राशि मैंने एक बार दमू नाका में धरना देके तत्काल चेक कटवाए थे, अगर वैसे चेक टाइम से दे दिए जाए। मैं साफ कहना चाहता हूँ जबलपुर शहर के रानीताल के व्यापारी हों चाहे दमू नाका, मैं फ्लाईओवर का खिलाफ नहीं कर रहा, विरोधी नहीं हूँ, फ्लाईओवर जैसे और 10 फ्लाईओवर बनने चाहिए। मैं तो कहता हूँ शास्त्री बिच का बजट में पास है, हम लोग का विजयनगर में जो कॉलेज पास हुआ मैंने कराया कांग्रेस सरकार में, माननीय सांसद जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम पार्टी मतभेदों से ऊपर उठ के, अगर इस विधायक ने हमारे को एक कॉलेज सेंक्शन करा दिया और बजट में सेंक्शन है तो हम ये कॉलेज को बनाए। अतिक्रमण की जो कार्यवाही लगातार होती है, जैसे आपने रेवेन्यू पे भी बात की, इसको किस नजर से देखते हैं शहर में? अभी भूमाफियाओं पर भी बहुत कार्रवाई, भूमाफिया पे क्या कार्रवाई है? कुछ नहीं हो रही भूमाफिया तो। आज का आप एक अखबार पढ़ लें, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए हैं, उसी में तो एक शामिल ये भी है रानीताल वाला। सवाल ये है कि जब ये देखिए मेरी बात, जब रहते हैं तब तो कोई आदमी तब तो कोई, देखिए बात सुनिए, जबलपुर शहर में वही निगम के अधिकारी 10 साल से बैठे हैं, जबलपुर शहर के नेता जो वर्तमान में सरकार से जुड़े हैं, वो नए अधिकारी क्यों नहीं ला पाते? इसलिए क्योंकि सबके बहुत सारे प्रोजेक्ट उनसे स्वार्थ सिद्धि हो रही। तो मेरा आपसे फिर कहना है ना, इस शहर से प्यार नहीं है, अपने स्वार्थ से प्यार है। सवाल ये कि जब कोई अवैध निर्माण होता तब तो कोई अधिकारी या कोई जिम्मेदार संस्था पहुंचती नहीं है, जबलपुर बन जाता है और बनने के बाद जब उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तब उसको तोड़ने के लिए आप पहुंचते हो। वो तोड़ने भी इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि राजनीतिक देश भावना से पहुंचते हैं, वाहवाही लूटे भी पहुंचते हैं। अभी जो कार्रवाइयां चल रही है कोई आज हुआ क्या? जो आरोप है वो तो वर्षों से है, तो कार्रवाई अब क्यों? पिछले 15 साल में कार्रवाई पॉलिटिकल मूवमेंट, हम कहते हैं कार्रवाई वैध है, सही है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुई? ये आरोप तो है, 15 साल पहले भी तो भाजपा की सरकार थी, लोग क्या कह रहे हैं वर्षों से चल रहा था सब कुछ, तो वर्षों से चल रहा था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई एक दिन क्यों? एक बात और आई है बीच में निकल के हमारे में, तो संविधान में भी है बात, सारी बातें, मोहल्ला समिति बनना चाहिए, मोहल्ला समिति के माध्यम से बेहतर ढंग से, सौरभ नाटी शर्मा भी आए हुए थे, उन्होंने पूरा परिस्थिति 74वें संशोधन का उल्लेख किया, उसको आप अपने अनुभव के आधार पर देखिए। एक बात सुनिए, कुछ नेताओं की तो आंदोलन की आदत पड़ी, आंदोलन को अंतिम रूप क्यों नहीं देते? बहुत से आंदोलन शहर में हुए, विद्युत मंडल का आंदोलन हुआ, हुआ क्या? मोहल्ला समिति का आंदोलन हुआ, ये नेता लोग भूल काहे को जाते हैं? ज्ञापन दे दिया, हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं पार्टी की बात, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक शहर में फोटो खिंचवाने से ज्ञापन देने से ऊपर नहीं उठेंगे हम, समझ में आया आपके? हमने 4 दिन आंदोलन चलाया, फिर घर बैठ गए, 4 अधिकारी पांव पड़ने आ गए, मानस भवन अपन को मिल गया। सुनिए आप जिसकी बात करें, मानस भवन मिल गया, कार खत्म हो गया, बिल्कुल सही। मानस भवन किस शर्त पे मिला था? इतनी बेबाकी चाहिए शहर विकास को तभी। मैंने परसों जो प्रभारी मंत्री के सामने 4 मुद्दे उठाए, वो जबलपुर शहर के बहुत से नेताओं के इर्द गिर्द के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें ऐसे ऐसे सहमति हिला रहे थे। क्यों हिला रहे थे? उनको मालूम है कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो बात बोल रहे हैं इसका अर्थ ये है कि जो पॉलिटिकल नेता किसी आंदोलन की शुरुआत करते हैं वो स्वहित के लिए करते हैं, उसमें पूरा जो मेरा कहना जनहित के लिए करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा क्यों नहीं होता? अगर मैं नगर मेरा कहना अगर मैं नगर में धरने बैठा तो मैं 4 दिन में उठ सकता था, 15 दिन नहीं उठा एक बार, ठीक है,
लेकिन जबलपुर शहर में जो नालों का पानी भरा उसको 3,000 रुपए मुआवजा देना पड़ा सरकार को, जबलपुर बंद हुआ था। ठीक है, एक बार हम चार बार धरने में बैठे और चारों बार जब तक नगर निगम के एक बार तो इसलिए बैठे कि आप लोग जनगणना करके बैठक खत्म कर देते हो, दोबारा उसी विषय से उसी लाइन से बैठक शुरू कराई। मेरा ये कहना है जबलपुर उन हर नेताओं से जो कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो सोते क्यों हैं? वो सो क्यों जाते हैं? मतलब वो अधिकारी अंजाम के बगैर अगर आंदोलन चलेंगे तो वो शहर का अंजाम भी कहलाएंगे। मतलब स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं आपसे क्या कहना हूँ, आज मैं किसी विषय पे आंदोलन करूँ नगर निगम खिलाफ और नगर निगम का मानस भवन में एक कार्यक्रम अपना बढ़िया अधिकारियों से करवा दूं तो बात खत्म। आप देख लो रिकॉर्ड उठा के हमारे साथ उनका कोई सवाल है बताइए। विनय जी, मैं छात्र राजनीति से आपको जानता हूँ, छात्र राजनीति से लेके विधायक जो संघर्ष आपने जबलपुर के लिए किया वो निश्चित ही सराहनीय है। शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, विशेष रूप से घोटाला हुआ खाद घोटाला, बहुत हल्ला मस्ता है, पेपरों में छपता है, मीडिया के माध्यम से वो होता है, पर वो आखिरी में जाके टाइटाएँ खुश हो जाता है। कुछ इस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो अधिकारियों को यहाँ से हटाया क्यों नहीं जाता, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा काम अगर आप लोग मुझे सहयोग करें तो मैं कर सकता हूँ, खाद्यान्न घोटाला बिल्कुल रुक जाएगा। आप मुझे मीडिया के और उसके जिसकी सब व्यवस्थाएं मैं करूँगा, कृषि उपज मंडी और वेयर हाउसेस पे हम लोग 24 घंटे कैमरे लगवाते हैं, एक महीने के अंदर पूरे घोटाले सामने जाएंगे, क्योंकि जो ट्रक निकलता है जिसको जाना होता मध्य प्रदेश के मिलर्स के यहाँ वो सीधे हैदराबाद कर्नाटक और यहाँ चला जाता है, करोड़ों अरबों रुपए घोटाला है। मैं किसी नेता के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जबलपुर शहर में खाद्यान्न घोटाला बहुत अरबों का है, हर महीने करोड़ों रुपए का है, पूरे भारत में हल्ला। और सुनिए, बालाघाट में जो कार्रवाई हुई आप बताइए, बालाघाट की कार्रवाई आप सबने सुनी, पेपरों में कितना छपा कि पीएमओ से जांच हो रही, आखिर में टाइटा फिस हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ उन्हीं मिलर्स को चावल वापस कर दिया आपने? अभी तत्काल में माड़ोताल थाने की आप एक FIR जरूर पढ़िएगा और मैं चाहता हूं कि आप उसको मीडिया में दिखाएं। उस FIR में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला हो रहा था, एक प्राइवेट वेयर हाउस में गेहूं पकड़ा 82 बोरा, ये गेहूं राशन की दुकान का था, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सफेद पोश है, लिखा है FIR में, और ये पूरा गेहूं यहां से हैदराबाद और कर्नाटक बेचा जा रहा है जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत घर तक पहुंचना था गरीबों के। अगर इसको जांच पूरी करी जाती, जैसे अभी आपने देखा चावल पकड़ा गया, तो एक दिन बाद थाने से गाड़ियां छूट जाती, ड्राइवर पे केस रजिस्टर होता। सुनिए, ट्रांसपोर्टर, अब आपको मैं सिविल सप्लाई का एक नियम का उदाहरण बता रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई खाद्यान्न कहीं पकड़ा जाता है तो उसमें उन अधिकारियों की जिम्मेदारी, उन पे केस रजिस्टर होना चाहिए जो उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, और जो ट्रांसपोर्टर है वो उसका एक हिस्सा है। तो माड़ोताल के मामले में, अन्य मामलों में ट्रांसपोर्टर पे केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है तो एज ए विपक्ष आप, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मेरा सहयोग जरूर करिए, मैं तो उसको शुरू कर, सुनिए, मैं शुरू करने वाला हूँ कृषि उपज मंडी और वेयर हाउस के आसपास पेमेंट बेसिस पे कैमरे लगवाने का, कैमरे मैन बैठाने का, वो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन एक महीने, अभी अभी जैसे धान आ रहा है ना जी, एक महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जब निकले नहीं ट्रक तो उसी ट्रक की पर्ची बनती है मिलर्स की, और वही पर्ची कृषि उपज मंडी में रात को 8 बजे, वही दिन में 2 बजे वेयर हाउस से निकलता है ट्रक नंबर, और वही कृषि उपज मंडी से शाम को 8 बजे निकलता है कहाँ के लिए, हैदराबाद की। ये कागजात मेरे पास हैं जबलपुर शहर के, आपके माध्यम से जबलपुर कलेक्टर को मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, अगर ये बात वो वहां तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री कहते मैं औचक निरीक्षण करूंगा, एक भी गलत आदमी को पनपने नहीं दूंगा, प्रधानमंत्री भी कहते ना खाऊं ना खाने दूंगा। जबलपुर शहर के चावल घोटाले राशन घोटाले में आज उनको ये हाथ जोड़ के आग्रह चुनौती नहीं दे रहा हूं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। मैं जबलपुर शहर के हितों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो घोटाला चल रहा है इस पे रोक लगा दें, इस पर आप इनिशिएटिव लीजिए, मीडिया तो आपके, मैं करूंगा। इसके लिए प्रशासन पर कितना प्रेशर आप बना पा रहे हैं? पिछले उस दिन जब प्रभारी मंत्री जी ये घोषणा करी, बैठक में मिनट्स निकाल लिए, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा है कि मुझे मिनट्स की कॉपी चाहिए, क्यों जी? जिससे अगली बार जब प्रभारी मंत्री आएगा तो उनसे पूछूंगा, साहब आपने उस दिन क्या कहा था, मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, कोई गुंडा बड़ा मैं डरता नहीं, किसी अधिकारी को सस्पेंड करो, उस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करो जो खाद्यान्न चोरी करवा रहा है उस पर कार्रवाई, कितना भी बड़ा आदमी क्या उसको बख्शेंगे नहीं। तो कमल पटेल जी की इस हिम्मत के जज्बे को मैं उनको धन्यवाद भी दिया मैंने,
और आज आपके माजे खुल के उनको कह रहा हूँ कि अगर ये उनने ताकत और हिम्मत दिखा दी तो बड़े जबलपुर शहर में बड़े से बड़े घोटाले हम लोग करते हैं कि सरकार ऐसा करेगी। अपन नगर निगम के इलेक्शन पर आ जाते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, आप जिस विधानसभा में हैं हमें लगता है कि सबसे विकसित इलाका है ये और बहुत कंजेस्टेड है, पीपल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जी विधानसभा में। पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार बजट नगर निगम के पार्षदों को मिलता है, विधायक मत से भी काम हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो वार्ड विकसित हो चुके हैं बहुत मतलब छोटे छोटे काम होते हैं वार्डों में, उनमें कुछ काम बचा है कि उनको काम की आवश्यकता नहीं है आपके इलाके में वार्ड? मैं तो नगर के आपने यही कह सकता हूँ कि नगर में जो सड़क बनती है वो 2 साल के अंदर ही खराब हो जाती है। मॉडल सड़क आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी की सब बनी, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उससे प्रभारी मैं था पिटौड़ी का जी जी। मुझे आदरणीय विश्वनाथ दुबे ने बहुत बाद मतलब जो वो मेयर नहीं थे और बीच में जबकि मेरा उनसे एक बार तनाव हुआ था, एक बहुत अच्छे आदमी से देखिए, तब उनने इस बात को स्वीकारा कि विनय तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उस समय कंक्रीट का एक आइटम मैंने बदलवाया था जो आज फिर कह रहा हूँ कि जब से ये आइटम बदला 1-2-4 की कंक्रीट होती थी, मैंने कहा इसको 1.5-3 की करो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर अगर इस पर भी गड़बड़ी करेंगे तो सड़क कम से कम ना खराब हो, अगर अधिकारी भी करे वो भी करे कम से कम ऐसी अनुपात सड़क बने जो बरसों बरस तक चले। नुकसान क्या हो रहा है, आज कॉन्क्रीट का रेट तो बढ़ा के दिए जा रहे हैं, चाहे वो बिटमेन सड़क हो चाहे सीमेंट सड़क, लेकिन कोई भी सड़क कोई अधिकारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेम करना जरूरी है अधिकारियों का और नेताओं का शहर से। अधिकारी ना आप देखें, मैंने नेता के रूप में सड़कों की जांच कराई थी जी जी, 18 प्रकरण लोकायुक्त ने जांच कराए, जो हिंदुस्तान में किसी भी नगर निगम को इतिहास उठा के देख लो इतने प्रकरण कभी दर्ज नहीं हुए। 2,80,00,000 की रिकवरी हुई, चाहे वो धौलपुरी पत्थर हो तिलवारा के, चाहे जबलपुर शहर की समदड़िया होटल वाली बराट रोड की रोड हो जो आज फटी पड़ी, और जबलपुर शहर की सड़कें उसके बाद से सुधरना चालू हैं। आपने देखा होगा बिटमेन सड़क चलने लगी, कुछ क्वालिटी सुधरी, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो आप कहते हो कि मध्य विधानसभा विकसित है, मैं नहीं मानता। मध्य विधानसभा चुनाव के पहले लोग कहते थे मध्य विधानसभा काम करने के लिए है ही क्या, तो मैं कहता था काम करने वाले के लिए बहुत काम। आज रानीताल को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लोग कहते थे वो तो स्मार्ट सिटी, मैं स्मार्ट सिटी के मामले में धारणा बदलना चाहता हूँ। पहली बार स्मार्ट सिटी के मामले में कमलनाथ जी सरकार के समय पे जो उसकी अंश राशि थी स्टेट गवर्नमेंट ने दी, तो ये पैसा कोई सरकारों का नहीं है, ये पैसा जनता का है, और ये पैसा जनता का योजना चाहे जवाहरलाल अर्बन मिशन हो चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, नाम बदले जा रहे हैं, टोपी बदली जा रही है, योजनाएं तो जनता के पैसे से ही चल रहे हैं। तो जनता की जिम्मेदारी भी है कि जब आपके आसपास कोई काम होता है, जैसे मैं जहां भी कोई काम शुरू करता हूं मैं साफ आम नागरिकों से कहता हूं कि साहब एक बाल्टी पानी अपने घर का भी सड़क पर डालना, जिससे सड़क बरसों बरस चले, अगर खराब होगी तो उस ठेकेदार को हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन आम जनता, नेता, अधिकारी और जो बरसों से ऐसे अधिकारी बसे हुए जहां पे जो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण जाने जाते हैं, इन अधिकारियों को ट्रांसफर होना चाहिए। एक विकास की वार्डों की बात आ गई, बहुत सारी योजना बनती है, अपने ही बने होंगे, जब भी योजना बनती है तो पहले पैसे का एस्टीमेट होता है कि आपको मिला, मान लो 50,00,000 मिला, उन्होंने कहा 50,00,000 के विकास कार्य करना है, हमको क्या करना है ये दिमाग में नहीं होता है, तो क्या सिर्फ खर्च करना है? ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे। देखिए मैं ये कह सकता हूँ नगर निगम में खासतौर से और बल्कि अन्य विभागों में आजकल जो कंप्यूटर कट पेस्ट का खेल चलता है ना, उनने कहा अब एक सड़क का योजना ले आओ, पैसा आ गया गवर्नमेंट का। अब जैसे वित्त आयोग का पैसा आया जबलपुर शहर में भी तत्काल आया, लोगों को लग रहा था अब बड़ा जबलपुर शहर विकास हो जाएगा, 100 करोड़ की पहले की उधारी बाकी नगर निगम। पिछले 6 महीने से आप टेंडर उठा के देख लो, जिस नगर निगम के अखबारों में रोज 5 टेंडर दिखते थे, 5 से कम कभी नहीं दिखते। आप भी मेरे बात को जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल प्रमाणित कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से नगर निगम का कोई भी टेंडर देखा आपने? अब ये जो करोड़ रुपए आए हैं ये पुरानी देनदारी में जाएंगे, ठीक है, तो विकास कैसे होगा? होना ये चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने की बात सरकार कह रही, तो फिर गोल्डन कॉरिडोर के नाम पे जो शेष लिया गया था आदरणीय अटल बिहारी जी के समय कि ये सड़कें अच्छी बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी के समय कहा गया कि हम स्वास्थ्य सफाई बहुत अच्छी करेंगे, एक और नया टैक्स लगा दिया शेष, ठीक है, टैक्स तो आप बराबर लगा रहे हो लेकिन उसी सड़क पे जब हम जाते हैं फवारा तो हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। अभी हम कोई भी आपने एक सफाई का घर घर का एक नया टैक्स चालू कर दिया डोर टू डोर कलेक्शन का, क्या जबलपुर शहर में डोर टू डोर कलेक्शन 100% अभी चालू हुआ है? नहीं। इन बातों को लेके जनता को सामने आना चाहिए, इन बातों को लेके मीडिया के साथ जन नेताओं को भी सामने आना चाहिए, जो सच्चाई है उसमें हम हर नेता को एक हो जाना चाहिए।
चाहे वो किसी पार्टी का। मेरा सवाल थोड़ा ये था कि आपके पास पैसा है, आपके वार्ड है, मान लीजिए आपकी विधानसभा है, तो विधानसभा में क्या काम होना है, पहले काम डिसाइड होगा कि पैसा डिसाइड होगा, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, काम अधिकारी उल्टा करता है, मैं उसी की बात, अधिकारी क्या करता है, पैसा आया तत्काल योजना बनाओ, और योजना क्या होती है, कोई आपने टेस्ट नहीं कराया, कोई आपने आपकी पॉलिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, नहीं मेरे 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 मैं उसका एक ही तरीका है कि अगर कोई योजना गलत ढंग से बन गई तो उसकी रिकवरी उस अधिकारी से होना चाहिए। आज एलएनटी का नाला बना अधूरा पड़ा है, इसमें उन अधिकारियों जिन्हें प्रोजेक्ट बनाया उनको सस्पेंड करके उनकी जो पेंशन है वो तक रोक देनी चाहिए। एक बार ऐसा शुरू होगा अपने आप सब सुधर जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर वार्ड हर विधानसभा की स्थिति के अनुसार योजनाएं बनना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसकी प्राइवेट मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। और खास तौर से नगर निगम को तो मैं पहले भी सलाह देता रहा, आज फिर दे रहा हूँ कि जबलपुर शहर के कुछ प्रबुद्ध जन जो रिटायर हैं एक उनकी कमेटी बनानी चाहिए जो जबलपुर शहर की नई योजनाओं पर भी नज़र रखे, निःशुल्क काम करे, निस्वार्थ काम करे। ऐसे बहुत से लोग हैं जबलपुर शहर के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शहर के अधिकारी और नेता इसलिए ऐसे लोगों के अंडर में नहीं आना चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि नियंत्रण होगा तो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। एक ये मुद्दा भी बड़ा गंभीर है। प्रवीण मिश्रा जी का कुछ सवाल है, किसी भी शहर का विकास उस नागरिकों की खर्च करने की क्षमता पर भी डिपेंड करता है और उस शहर के व्यापारिक अवसरों और व्यापार पर भी डिपेंड करता है। व्यापारी व्यापार लाना चाहता है, उद्योगपति उद्योग लगाना भी चाहता है, एग्रीकल्चर में, गारमेंट्स में, टूरिज्म में, एजुकेशन में, मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत संभावनाएं हैं। तो सवाल उठता है कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो स्किल्ड वर्कर हमारे पास नहीं है। अगर एक तरफ हम इसकी व्यवस्था करें और दूसरी तरफ हम ये उद्योगों के जो क्लस्टर्स हैं, अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं, इस पर अगर हम काम कर सकें तो सही मायने में सही विकास हो सकता है, पर इस पर आज तक किसी सरकारों ने सही तरीके से काम नहीं किया। इस पर आपका देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो तो सौ प्रमाणित है। जितने इन्वेस्टर मीट हुए उनका क्या हश्र हुआ, इसी बात मैं फिर यही कह रहा हूँ ना, पहले हम किसी योजना को पूरा कैसे करेंगे, उसको धरातल पे कैसे लाएंगे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है हमारे हिंदुस्तान और हमारे शहर में नेताओं को घोषणा करने की पहले जल्दी रहती है। 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट आ गया, बाद में वो खोदा पाड़ चूहिया निकली वाली हालत होती है। ठीक है, मेरा यही कहना, कोई इन्वेस्टर मीट हो या कोई योजना आ रही है, पहले उसकी धरातल में वो हम कैसे लाएंगे, हमारे पास पैसा जेब में कितना है, होमवर्क होता नहीं, और उसका नुकसान ही हमारी प्रदेश की सरकार भी भुगतती है, हमारे जबलपुर शहर में जनता भी भुगतती है और पूरे प्रदेश की जनता भी भुगतती है। आपका प्रश्न बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण है, मौजू है और बहुत ही गहराई के साथ उसमें अगर जाया जाए तो अगर नेता घोषणा करने के पहले काम के बाद लोकार्पण, भूमि पूजन के बाद लोकार्पण करने की आदत डाल लेना। मैं अपने वार्ड में जब काम करता था तो आप अभी मैं विधानसभा में आप देख कई मेरे काम बगैर भूमि पूजन के चालू हो गए, मैं लोकार्पण करने की आदत डालिए अगर बहुत शौक है तो। दूसरी बात है कि आपकी सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान छेड़ा गया था और आज आपकी सरकार मान लीजिए नहीं, तो क्या शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान अब आप नहीं चालू रखेंगे? नियत की देखिए, ये हमारी तो इच्छा है। देखिए, एक आम नागरिक जो अपनी जेब से ईमानदारी से पूरा किसी चीज़ के लिए पैसा देता है उसका ये हक बनता है, और उपभोक्ता नियम बने हुए देश में, कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई नियम नहीं बने, मगर सरकारें जो है इस मिलीभगत में शामिल है, नेता शामिल है, गेहूं में कचरा मिला देते हैं, हल्दी में कचरा मिला देते हैं, मिठाइयाँ मिलावटी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दूध जैसी चीज़ मिलावटी है, जो एक नवजात बच्चा पीता है अगर और उसकी लिवर से लेके अगर उसके ऑर्गन, तो ये बहुत बड़ा युद्ध है। कि मतलब आपके पास एक से एक योग्य लोग हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उन योग्य लोगों की अलग अलग समितियां बनाकर इस विषय को उनके देखिए इसमें उसमें देखिए दिक्कत है कि इस देश अब आपको मैं कोर्ट में हम प्रोड्यूस करके सही तरीके से कार्रवाई करा सकते। देखिए दो मुद्दे बताता हूँ, कोरोना के नाम में पिछले एक साल से विधानसभा नहीं चल रही, चुनाव पूरे हो रहे हैं, ठीक है, पिछला सत्र 2 दिन में खत्म हो गया, अनुपूरक बजट पास हो गया, प्रश्न एक भी थे वो सब निरस्त हो गए। अब अभी 28 तारीख से 30 दिसंबर तक का विधानसभा सत्र आया है, प्रश्न लगा मंगा मांगे जा रहे हैं,
ठीक है, वो जो हजारों प्रश्न मांगे जाते हैं, हजारों रुपए का कागज लग जाता है, वो प्रश्नों के उत्तर विधायक तक भेज दो अगर मान लो निरस्त कर रहे हो, वो प्रश्नों के जवाब तक नहीं भेजे जाते, ये गैर जिम्मेदारी सरकार है और मिलावट की बात है। इसके लिए बड़ी ईमानदारी होना चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। और जो हमें लगता है नेता के ब्रेन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, वो चीज छिड़ना पड़ेगा, युद्ध छिड़ना पड़ेगा। फिर वही बात आई कि आप सब हम मिलके दिक्कत है कि जनता सब करे, राजनीतिक स्तर पे जो संवेदनशील सरकारें अपने आप कहती हैं वो निर्णय लेने में हिचकते हैं। पीने का शुद्ध पानी ये सही तरीके से सप्लाई के रूप में नहीं मिल पा रहा है और उससे लोगों को बीमारियां भी होती हैं। पीने के पानी पे भी तो आंदोलन हुआ था जौलपुर शहर में, लेकिन वो साहित्य मैं यही कह रहा हूँ, निदान तक जब तक नहीं होगा यही दिक्कत है। आंदोलन करो, अपने बड़े दो काम करा लो, मत्था टिकवा लो, अधिकारी हमारे रिश्तेदार परिचित को लेके आ जाता है और मिठाई का डिब्बा ले आता है, बात खत्म। बातचीत से बढ़िया है पहले नेता के ब्रेन को शुद्ध करने की आवश्यकता। मैं कह रहा हूँ मिलावट जो है, अब जिस मंत्री जी आदरणीय हमारे तुलसी भैया के भरोसे तो मिलावट खत्म करने की हमने बात करी थी, अब वो खुद ही मिलावट का शिकार तो आपकी बात जो है सिद्ध होती है कि सबसे पहले तो मस्तिष्क को शुद्ध करने की जरूरत है कि हम पांच साल तक कम से कम जिस जनता ने जिस लिए पहुंचाया है वहीं रहें। आपने प्रारंभ में साहित्य को सांस्कृतिक बात की, तो विधायक के रूप में क्या एक संकल्पना है आपकी कि साहित्यिक और सांस्कृतिक वर्ग के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारी विधानसभा में सबसे पहले इंडोर जो स्टेडियम तैयार हो रहे हैं उसमें सांस्कृतिक गतिविधि भी होगी। ठीक है, मानस भवन एकमात्र रंगमंच ऐसा रहा है जो बरसों से उसी के भरोसे हम रहे, तो अन्य क्षेत्रों में एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सफेद हाथी का जो बर्न कंपनी में एक हमने एक बिल्डिंग बनाई वो कला दीर्घा कहलाती है, कला के लिए बनाई गई है ना, जबलपुर में कला निकेतन है उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यही सब तो उपेक्षा के दंश है जो हम सब मिलके हमारे शहर के नेता मिलके कुछ मुद्दों पे तो एक कर सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ प्रमाणित के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई मुद्दा होगा मैं पार्टी तो से ऊपर उठ के उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलने तैयार हूँ, चाहे वो किसी पार्टी। कि जो हमारे गार्डन्स हैं उसमें हम छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बना दें और उसको ओपन थिएटर रूप में। देखिए मेरी बात सुनिए, वो तैयार हो, और सुनिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, उत्तर मध्य विधानसभा में जिस तरह से ओपन जिम की शुरुआत जबलपुर शहर में मैंने की थी, पूरे उत्तर मध्य विधानसभा ओपन जिम लग रहे हैं, छोटे छोटे रंगमंच बन रहे हैं, और मैंने पहली बार लोग सड़क को मानते थे विकास का पैमाना, सड़कें तो हमारे यहाँ की बेहतर बनी रही लेकिन पूरे उद्यानों में डेवलपमेंट का काम चालू हो गया। आप उत्तर मध्य विधानसभा जितने डेवलपमेंट देखोगे उद्यानों में, क्योंकि मैं पर्यावरण भी ठीक करना चाहता हूँ, खेल कूद की गतिविधि बढ़ाना चाहता हूँ और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, तो ये सब कामों के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम बना रहे, हम लोग मिलके काम करेंगे। बहुत विशिष्ट चर्चा थी आज कॉफी हाउस विचार मंच की, हमारे कार्यक्रम चर्चा चौक पर छात्र राजनीति, फिर पार्षद और अब विधायक, एक बहुत सफल राजनीतिक व्यक्तित्व हमारे साथ थे विनय सक्सेना, और उनकी संकल्पना है कि सब लोग मिलकर इस शहर के लिए जुड़ जाएं, एक हो जाएं, वो राजनेता हो, मीडिया हो, जनता हो, सब। लेकिन फिर भी स्वप्न तो अधूरे हैं, जनता के भी और नेताओं के भी। और शुद्धता की बात की तो ये हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और विचार शक्ति से शहर आगे बढ़ेगा, भारत के मानचित्र पर उभरेगा। एक बात लेकिन जनता की फिक्र है कि अधियारा अजय भी तो नहीं है, फिर सूर्य के उगने का समय भी तो नहीं है, कैसे कह दें कि खुशहाल है हम लोग, मुस्कान का होंठों के उदय भी तो नहीं है। हम अगले सप्ताह फिर एक नई शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे संस्कारधानी की विकास यात्रा पर। विनय जी का हम एक 2-5 मिनट और लेना चाहते हैं बस। राकेश नई परंपरा में आप ही का विचार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कॉफी हाउस विचार में, जहाँ बरसों बैठे हैं। ठीक है राजेश, ठीक है, हो गया। बहुत आभार बनाइए आने के लिए।
ठीक है राजेश जी, बात क्या इस पर बात करेंगे? प्रदीप आ जाओ जल्दी, क्लोज बैठो, फिर से चर्चा चौकसी के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच की यात्रा आज यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे साथ थे मध्य क्षेत्र के जबलपुर के विधायक विनय सक्सेना जी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। अगले शनिवार फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी और जबलपुर शहर की बहुत सारी बातें हैं, जैसे आज विनय सक्सेना ने निकाली कि नेताओं के ब्रेन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, जबलपुर से प्रेम करने की आवश्यकता नेताओं में, तब हम विकास की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। अगले साल शनिवार को फिर कोई नेता नई बात कहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और हम सब मिलकर जबलपुर शहर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। ये एक माध्यम है चर्चा चौक से कॉफी हाउस विचार मंच पर। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम